नंबर एक नंबर ये कौन बस मैडम जी थोड़ा आते और आगे बस संजीत भाई सामने देखिए सर राइट में अभी भाई आपके सामने सर सेंटर सर रुकिए नहीं मिला बढ़िया बढ़िया सामने देखिए मैम सामान ये राइट सेंटर सेंटर और मैं राइट यहाँ पे इधर शिल्पा जी सामने देखिए शिल्पा जी आपके एकदम सामने आपके सेंटर सामने देखिए सामने सर सेंटर में देखिए सामने देखिए सामने सर दोनों के सर यहाँ पे दोनों सर ऑडियो नहीं आ रहे कैसा लग रहा है भाई ऑडियो नहीं आ रहा है तो आप लोग की रील्स में आप लोग के फंक्शंस में ये गाना बजने वाला है हाँ या ना और
मेरे खास दोस्त सचेत और मेरी खास दोस्त शिल्पा की आवाज कैसी लग रही है आप लोगों को? मतलब मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि लोग रिंगटोन इधर से सेट करने वाले हैं गाने के, बट मुझे आपसे पूछना है कि मतलब क्या फॉर्मूला क्या है, ऑल टाइम हिट गाना कैसे कर लेते हो? मैं भी अपने आप को यही सवाल पूछता हूँ हर सुबह उठने की, क्या फॉर्मूला है? आई होप आई विश ऐसा कोई फॉर्मूला होता, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राज शांडिल्य सर, उनकी एनर्जी ऐसी है, इतने इतने जॉयफुल आदमी है और इतने एनर्जेटिक आदमी है, उनके लिए इससे कम कुछ सचिन जी का नहीं देने वाले थे, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ। मतलब और फॉर्मूला एक्चुअली एक ही है कि हम लोग गाना बना सकते हैं और अपने मीडिया वाले दोस्त हैं और जो अपने फैंस हैं और जो लोग गाना सुनते हैं उसको प्यार दे दे, दैट्स इट, उससे बड़ी कोई बात नहीं है भाई। मतलब बहुत बड़ी बात है, और मैं अभी बात क्या बताऊँ यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले कि मैंने 3 बार ये गाना सुना और अभी से दिमाग में अटक गया गाना, सो ये बहुत बड़ी बात है। बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था विद राज सर एंड ओवरऑल टीम? देखिए राज भाई के साथ जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करके, उनका नजरिया बहुत फ्रेश है, सच अ फ्रेश फिल्म मेकर। आप फिल्म के ट्रेलर में भी देख चुके हैं कि उनका पर्सपेक्टिव बहुत, वो हर चीज़ को बहुत जिंदा दिली से देखते हैं लाइफ में। सेट पे भी जो मैंने सुना है रात से अर्चना जी से कि इतना हंसी मजा, तो उनके साथ काम करना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे अगर मतलब मेरे लिए और जिगर के लिए एक जो सबसे खुशी की बात यह है कि ये हमारा टी सीरीज के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनता चले जा रहा है, खास तौर पे भूषण सर का जो हिट गानों के लिए जो एक हंगर है, इतने गाने वो दे चुके हैं, इतनी फिल्म्स वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन रात को 2:30 बजे भी उनका फोन आता है कि मिक्स में ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, किक थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, तो उनका जो पैशन है उसको सिर्फ मैच ही कर ले हम लोग, तो आई थिंक हमारी गंगा पार हो जाए। सो टी सीरीज की जो म्यूजिक टीम है और भूषण जी है, अपनी जो पूरी फिल्म की टीम है और राज शांडिल्य सर और राजकुमार, आई डोंट नो इफ हीज हियर, बट मतलब एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म को म्यूजिक देना, एंड आई एम ग्लैड कि हम गाने बना पाए और अब सबको पसंद आ जाए। बस देखो हम लोगों ने स्क्रीन पे तो देख लिया गाना, बट आप अब स्टेज पे हो और लाइव हम लोग ना देखे ऐसा नहीं तो हो नहीं सकता। फैमिली के साथ काम करना है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, एंड थैंक्स एवरीवन, डायरेक्टर सर एंड भूषण जी, टी सीरीज म्यूजिक टीम, काम निकलवा लेते हैं हमसे इसके लिए इतना अच्छा काम हो जाता है। आई एम सो ग्लैड के इतने अच्छे प्यारे टीम के साथ काम करने का मौका मिला, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गेट डाउन फ्रॉम द स्टेज विदाउट थैंकिंग गणेश मास्टर जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है, जो आप लोग सब मतलब कोरियोग्राफी के लिए थी, तो उनका सब गणेश मास्टर को बिग बिग कंग्रेचुलेशन है वन मोर टाइम। मेरी तरह राजकुमार राव का डांस मूव्स देख के कौन सरप्राइज है बता दो ना प्लीज। गाइस गाइस सी जी, यू आर नॉट सरप्राइज, आई थिंक एक बार जोरदार तालियां राजकुमार की मूव्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग प्लीज ये गाना सुनिए सुनाइए, और जेन्युइनली पसंद आए तो कमेंट कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार से ही ये गाना नंबर वन हो सकता है, जो कि हम सब चाहते हैं हो जाए। थैंक यू गाइज। गाइज मैं आपको ऐसे ही इतना आसानी से जानने दूंगा, देखो एक फन चीज करने वाला, आपको परफॉर्मेंस उन्होंने देख लिया लाइव, अभी जिस ऑर्डर में हम लोग खड़े हैं ना, आप इनके बारे में बताओगे वन बेस्ट क्वालिटी एंड वन नॉट सो बेस्ट क्वालिटी, वैसे ही ऑर्डर में जा रहा हूँ। शिल्पा की बेस्ट क्वालिटी मैं बताता हूँ कि आप इसको डबिंग बूथ में रिकॉर्डिंग करके भेजो और आप उसको गाना एक बार सुनाओ, चाहे कोई भी जॉनर हो, वो उसको ऐसा पी लेती है और गा लेती है जैसे कि उस जॉनर की वो क्वीन है। तो इसकी बेस्ट क्वालिटी है दैट शी कैन सिंग एनीथिंग। इसकी वर्स्ट क्वालिटी बताता हूँ इज दैट शी कैन सिंग एनीथिंग। तो हम कोई और सिंगर के बारे में सोचे तो ऐसा लगता है शिल्पा तो ही गा ही सकती है, तो इसकी बेस्ट क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी है दैट शी कैन सिंग रियली एनीथिंग आई डू सर। शिल्पा क्या आपका डन है? सचिन, वन थिंग दैट
बुरी क्वालिटी कोई है नहीं सोचता मैं अच्छी वाली सोच रही हूँ मैं अच्छा नो अच्छा ये कि आई डोंट ही एज अ फिल्टर अगर कुछ सुनाया मतलब इफ आई सिंग समथिंग और अगर सबसे ये ठीक है ये यू टेक सम टाइम ऑन कवर टुमारो देयर इज नो फिल्टर व्हिच आई लाइक because sometimes people are very polite and it's not a great place to work yeah I like that he is very very honest ki ye hai and bad quality ye hai ki hamesha he call me from jigar's phone hello jigar sachin bol raha hu and it happens every time isko change kar do bhai baaki I think sachin jigar are like yeah yeah it's like home abhi aapka naam sachin ke bare mein ye keh sakta hu ki I first Whenever I talk of Sachin, I first want to talk of what a beautiful human being he is. बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही हल्के कंधे हैं, इतना सक्सेसफुल है, इतने हिंदी सॉन्ग, इतने फिल्मी सॉन्ग करेंगे बाद भी बहुत ही विनम्र है, बहुत ही पोलाइट है और इसकी बुरी नहीं कह सकते, वो भी एक तरह से अच्छी क्वालिटी है लेकिन नॉट सो गुड क्वालिटी है कि ये परंपरा से बहुत डरता है जरूरी नहीं था ये ज्यादा हो गया आपके बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी मैं ये बताना चाहता हूँ पता नहीं कितने लोग जानते बट शी इज अ ब्यूटीफुल सिंगर एंड हम बहुत मैंने आपसे जब मिला भी था व्हेन आई वेंट गणेश चतुर्थी तो कि उस सुन साधिया का मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ ना कि जब भी ये उस गाने को मैं सुनता आई मीन टेक्स्टेड यू ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस सो आई थिंक ये इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है शी कैन राइट शी कैन सिंग मतलब इससे ज़्यादा और क्या लेंगे आप बुरी पूरी कोई नहीं है जिगर भाई है ना वो सब सब अच्छी है अभी आपका डर है आपको बोल ये मेरे बारे में देखो मुझे तो जिगर के लिए ही बोलना है मैं तो निबंध लिख सकती हूँ पर ये इवेंट उस चीज के लिए है नहीं और मुझे घर जाना है उसे भी घर जाना है अच्छा तो यहाँ पर बस अच्छा सब अच्छा है सब अच्छा है हिट गाने देता है घर पे टाइम देता है क्या बोलना चाहोगे पानी पिलो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी दैट आई रियली रियली मिस राज एंड आई विश ही वाज हियर बिकॉज़ जिस तरीके की एनर्जी वो स्टेज पे लेके आते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता मेरे लिए बहुत स्पेशल सॉन्ग है बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट डांसिंग नंबर एंड अगर आपका पहला ही गाना सचिन जिगर ने कंपोज किया हो गणेश मास्टर ने कोरियोग्राफ किया हो तो उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको वेरी वेरी हैप्पी एंड या आप लोगों को कैसा लगा गाना दो लोग हमें चाहिए जो हुक स्टेप करेंगे तो इससे पहले जब बोलते हैं ना जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो डांसिंग क्वींस हमारी होती है डांस डांस आइडल्स होते हैं हमारे वो कौन थे आपके एंड द सॉन्ग्स दैट यू एक्चुअली डांस अपॉन देखो इसका तो फॉर्म करने के लिए मत बोलना नहीं नहीं माधुरी मैम ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर एंड के सभी गानों पे मैं बचपन में कोशिश करती थी डांस करने की बट शी इज बीन माय फेवरेट एंड शी स्टिल इज राज सर इन्होंने कहा कि इनका पहला डांसिंग नंबर है राजकुमार राव को हमने देखा एक अलग ही मतलब थोड़ा सा राउडीनेस भी देख रहे हैं थोड़ा बॉबी देओल की भी वाइब दे रहे हैं तो इनको नचाना कैसा आसान था मुश्किल था व्हाट वाज एग्जैक्टली एक्टिंग कराना मुश्किल है या डांस कराना देखिए मेरा साथ तो डांस बड़ा मुश्किल है बहुत ज्यादा मुश्किल है और मतलब इतना कर लिया मैं मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ब्रिलियंटली निकलेगा ये नंबर और मेरे लिए एक्टिंग कराना इससे बड़ा आसान था स्क्रिप्ट क्योंकि दे दी थी पहले समाज समझा दिया था कि ऐसा होना ये होना ये होना है और आई एम श्योर कि डांस में ज़्यादा डिफिकल्टी आई होगी उनको खुद ही करना पड़ता है डुप्लीकेट बोल नहीं सकते खुद क्या हो तो ठीक है अब मुझे लगता है कि डांस ज़्यादा ओके नेक्स्ट एनीवन हाय आई एम नमिता सुशील कहाँ से
वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ सचिन जिगर से जिस भी गाने के साथ आप जुड़ जाते हो वो गाना तो मैसिव हिट हो जाता है. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिन जिगर एंड ऑल द टीम. क्योंकि माय क्वेश्चन गोज टू यू, हमें गाना देख के वो भाई भाई रवीना टंडन और कैटरीना कैफ की टिप टिप बरसा पानी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में. सो डिड यू ऑल्सो गेट दैट? आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर दिस? मतलब हाँ सोचा तो बहुत देखा था मैंने दोनों सॉन्ग्स देख लिए करने से पहले एंड उनसे मतलब कंपेयर नहीं कर सकते मतलब दे आर टू टू गुड बट काफ़ी मज़ा आया ये गाना करने में भी. ऑफकोर्स गणेश सर वॉज देयर हिम एंड हिज टीम दे जस्ट सो सो ब्रिलियंट दैट मतलब होता है ना आई वॉज वेरी वेरी नर्वस बिकॉज फर्स्ट सॉन्ग बट उन्होंने इतना ईजी कर लिया मेरे लिए. उन्होंने कहा बस आपने सीख लिया बाकी बस मज़े करो कुछ सोचो मत खेलते हैं मैं तो बस सेट पे नचवा सकता हूँ डायलॉग्स के साथ सीन्स के साथ. और हेल्थ मास्टर जी हैज बीन नोन कितने कमाल ही कोरियोग्राफर हैं उनको कहने की जरूरत नहीं पता नहीं जरूरत नहीं है. और मैंने जब ये पहली बार गाना देखा था तो तृप्ति की नज़र तो पूरी मतलब तृप्ति की नज़र तो पूरी हिंदुस्तान की है मतलब कि अरे क्रश है नेशनल क्रश है इंटरनेशनल होनी है. तो और राजकुमार ने जब मैंने डांस देखा तो ऐसा लगा कोई बैटरी लगा के छोड़ने लगा इनकी सेल निकालो कहीं से है ना. और इतनी एनर्जी में डांस उन्होंने किया माइंड ब्लोइंग. मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ इतना अच्छा डांस किया दोनों ने. और ये सब राज ने बिना रिहर्सल से किया था मतलब मैं 3 दिन तक रिहर्सल कर रही थी. उसने बोला मैं स्टेज पे देखना पॉकेट कर लूँगा. वो आया 2 मिनट में सीखा और आई कॉल्ड हिम. और मैंने बोला था क्योंकि इंटरव्यू में सुन रहा था उनका कि मैं मूवी वूवी में गया था कहीं पर तो आई एम श्योर अगर उस वक्त परफॉर्म करते तो विनर हो के आते. Okay guys, last 2 questions. Hi Tripti, Russell DeSilva here from Telechapter. First of all, to the entire team, once again, congratulations. Kamal ka gana. Aisa lag raha hai ki Helen ji ke baad Pan India, agar Mehbooba ka kitab abhi kisi ko milega, toh Tripti Bindi. Mera sawal ye hai ki har film mein, jo bhi film mein aapko, kafi saare hit gaane aapko milte. Right from Leela Majnu. उसके बाद फिर एनिमल में हमने देखा भले डांसर्स थे लेकिन हिट गाने थे. फिर विकी कौशल के साथ बैड न्यूज और अभी यहाँ पे मेरे महबूब. इन सारे एक्टर्स के साथ विकी कौशल रणबीर कपूर अविनाश तिवारी एंड नाउ राजकुमार राव किन के साथ स्टेप्स मैच करना केमिस्ट्री मैच करना सबसे ईजी था सबसे मुश्किल था? आसान भी था और मुश्किल भी था बट सारी आसानी और सारी मुश्किलें सबने साथ में मिलके बताई. ऐसा कभी नहीं था कि मेरे को एक्टर्स के मामले में बहुत लकी रही हूँ. देव ऑल बीन फैंटास्टिक को एक्टर्स एंड जब भी ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ चीज़ करने में परेशानी आ रही है तो हमेशा आगे से मुझे हेल्प मिली है. दे आर वेरी वेरी सिक्योर एक्टर्स तो इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू नो आज तक मुझे ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला एंड देव आई वुड जस्ट से दैट देव ऑल बीन फैंटास्टिक. परफेक्ट लास्ट क्वेश्चन गाइस. Anyone? Photo. Hi Sachin. Hi Jigar. Hi. First, the song looks amazing. I want to ask ki, ye jo isme gana, ye isme the beats hai, wo 90s ke hai. Toh kaun se gaane se aap inspired hue the and isme adapt kiya hai? Actually, inspired hum is insaan se hue hain. Aur inki storytelling ability se hue hain. Bahut interesting iska narrative hai. And you are so right ki wo 90s का वाइब है क्योंकि वो 90s का वाइब पूरी फिल्म में है. और इट्स सच अ थिन लाइन. कभी आप किसी चीज़ को एमुलेट करते वक्त यू कैन क्रॉस अ स्मॉल थिन लाइन एंड लुक लाइक यू आर स्पूफिंग इट. तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये अपने आप में मुकम्मल है ओरिजिनल लगता है और ओरिजिनल म्यूजिक के फ्लैग बेयरर्स हैं हम लोग. मैं जिगर शिल्पा सचेत हम सब एक तरह से ओरिजिनल म्यूजिक को पसंद करते हैं. राज भाई हिमसेल्फ has inspired us to you know stay original in this inspiration. agar kahun to 90s ke bahut sare aise idols hain mere kyunki
90s वो टाइम था जब यू नो मैं अपनी वाइफ के प्यार में था, अभी भी हूँ क्योंकि मुझे आज घर जाना है, बट तब मेरा प्यार ब्लॉसम हो रहा था। तो विजू शाह जी हैं, नदीम श्रवण हैं, उस टाइम पे जतिन ललित सर, तो ऐसे बहुत सारे मतलब आइडल्स हैं हमारे, पर ये बीट 100% ओरिजिनल है। पर पर्टिकुलरली इस गाने में मतलब व्हाइल वी वर डूइंग इट बहुत ज़्यादा विजू शाह सर के बारे में हम लोग सोच रहे थे। हाउ